है केमास न्यूज, हर समय आपके साथ मैं हूं राम सुंदर। केमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए, अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की तरफ। केमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। अज्ञात बदमाशों के हाथ से रिवाल्वर छीन कर खुद की बचाई जान। जौनपुर जिले के थाना कुटहन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भटपुरवा पोस्ट रानीपुर जनपद जौनपुर के निवासी डॉक्टर सत्यदेव कुमार दिनांक 18 जुलाई 2021 को रात्रि 10:30 बजे दुकान बंद करके धमौर मार्केट में कुछ सामान लेकर अपने घटपुरवा के लिए रवाना हुए। ताड़ में खड़े तीन अज्ञात बदमाशों ने उनका पीछा किया। रात्रि के समय बदमाशों ने एकांत समय का मौका पाकर बाइक से उनका पीछा किया। बताते चले कि बंधनपुर मरदहा में स्थान, जो किरहवा आम के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है, एकांत में पाकर अज्ञात बदमाशों ने सत्यदेव कुमार के सामने बाइक खड़ी कर छीना झपटी करने लगे। अचानक अफरा तफरी में डॉक्टर सत्यदेव कुमार अपनी बाइक से गिर गए। अज्ञात बदमाशों ने डॉक्टर सत्यदेव कुमार को लूटपाट करने के लिए प्रयास किया, जिसके उपरांत उन्होंने डॉक्टर सत्यदेव के छाती पर रिवाल्वर भी लगाया। एक कहावत कही जाती है कि मरता क्या नहीं करता, जिसके बाद डॉक्टर सत्यदेव कुमार ने हिम्मत जुटाकर बदमाशों के हाथ से रिवाल्वर पकड़ी और छीन ली। लेकिन डॉक्टर सत्यदेव कुमार की बाइक के नीचे पैर दबने से असमर्थ होकर उन्हें बैग में रखे 7,000 रुपये और कीमती दवाओं के साथ हाथ धोना पड़ा। शोर शराबा सुनकर पहुँचे लोगों को देखकर अज्ञात बदमाश भागने में कामयाब रहे। सूचना पाकर डायल 112 पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और घटनास्थल से छीनी रिवाल्वर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। थाने पर सूचना के बाद पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल सका। डॉक्टर सत्यदेव कुमार का पूरा परिवार सदमे में है। पेश है हमारे संवाददाता विनोद कुमार की यह रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? डॉक्टर सत्यदेव कुमार सिंह। अच्छा अच्छा, तो फिर हाँ, क्या मामला है आपका? सर एक्चुअली सर, मैंने सुबह शाम को रात को 9:30 बजे मैं क्लिनिक बढ़ा के घर की तरफ लौट रहा था सर। रास्ते में मुझे अज्ञात लोगों ने, करीब 3 लोग बदमाशों ने बाइक से घेर लिया और उसके बाद मुझे तमंचों से घेर लिया। उसके बाद मुझे छिनैती करने शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने 100 नंबर को सूचित किया और उसके बाद 100 नंबर आई, मैंने असलहा छोड़ लिया था उससे। अच्छा, किससे असलहा छोड़े थे? बदमाशों से सर। अच्छा, आपके हाथ में असलहा आ गया? जी जी। अच्छा अच्छा, तो क्या उन्होंने मारा पीटा आपको? जी सर, थोड़ा सा मुझे उस असलहा से मार दिया था। जी जी। और उसके बाद असलहा से मैंने उसको छोड़ लिया था उन लोगों से। चोट का निशान कहीं है क्या? जी सर, हल्का सा फेस पर है। जी जी, फेस पर मारा था? जी सर। अच्छा अच्छा, तो फिर वो कितने लोग थे? सर वो 3 लोग थे। तो कुछ सामान नुकसान हुआ है या क्या छिनैती हुआ आपका? नहीं सर, एक्चुअली मेरा पैसे वगैरह छिनैती कर लिए थे। कितना पैसे लगा? पैसे करीब 7-8 हज़ार रुपये थे मेरे पॉकेट में सर। जी जी जी। और थोड़ा सा वो पिस्टल लगा के मेरे सर सीने में मारने की धमकी दे रहे थे जी। उस समय मैंने उस पिस्टल को पकड़ लिया था और उसके बाद मैंने उन लोगों से छीन लिया था सर। पिस्टल आपने छीन लिया? जी सर। तो ठीक है, तो फिर किस तरीके से बीच बचाव हो पाया? सर मैंने लोगों से चिल्लाने शुरू कर दिया, उसके बाद उन्होंने छोड़ के भाग गए थे और उनका पीछा किया तो वो सब भाग चुके थे सर। अच्छा अच्छा, तो फिर ये घटना कहाँ की है? ये सर बंधनपुर भटपुरवा के बीच और जो किराहवा पेड़ के नाम से जाना जाता है सर जी, वहीं पर ये घटना स्थल हुआ सर। जी जी, तो घटना के बाद कोई व्यक्ति पहुंचा वहां पर? नहीं सर, उस समय तो कोई मौके पर नहीं पहुंचा था। हाँ? उसके बाद मैंने चिल्लाने के बाद में गांव के लोग वहां एकत्रित हो गए थे सर। अच्छा अच्छा, गांव में कोई व्यक्ति था ऐसा माने? नहीं सर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। हाँ, जो मौके पर पहुंचा हो, जिसको जानते पहचान? हाँ सर, मैंने वहाँ के जो प्रधान थे, मैं उनका नाम लेके चिल्ला रहा था तो वो मौके पर थे, फिर बाहर निकले और वो घटना स्थल पे आके उन्होंने देखा मुझे। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दिया आपने? जी सर, मैंने 102 नंबर पर कॉल किया सर, तो वहाँ पुलिस आई, उसके बाद पुलिस ने सारा 102 नंबर 112 112 नंबर पर कॉल किया था, पुलिस आई, उसके बाद में सब पुलिस ने सब हमारा जो FIR वगैरह तब लिखते उन्होंने लिखा।
अच्छा लिखा जी सर। तो अभी मतलब पुलिस जांच कर रही है जी सर, अभी जांच कर रही है उसमें। अच्छा अच्छा, अभी अभी कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं फिलहाल सर। अच्छा, किसी पर कोई संदेह है? नहीं सर, ऐसा कोई तो संदेह नहीं सर। अच्छा ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।